हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि एमपीए 11 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये सब कर लिए तो एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सेल्फ ज्ञान के द्वारा बनाई गई है एमपीए 11 की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं तो सिर्फ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 19 क्वेश्चंस इसमें लॉन्ग होंगे और पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको कर लेना चाहिए। आपका जो है टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो पहले जो 10 क्वेश्चन है उसी में से आपको 5 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे और उसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है। मैं पक्का गारंटी देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी में से आ जाएगा। आपको कहीं पे भी इसमें घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस क्वेश्चंस है, आपको पूरी बुक्स में याद करने की कोई भी इशू नहीं मिलेगा और आप जल्द अच्छे मार्क्स के साथ, मिनिमम एफर्ट के साथ इसको करने से पास हो सकते हो। इस बुक में आप जैसे कि देखो, एक फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है एमपी 11 का, क्या है स्टेट सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो इसकी फर्स्ट प्रियोरिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट प्रियोरिटी वाले क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको जैसे इसमें बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जामाइन द चेंजिंग रोल ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट के चेंजिंग रोल्स बताने हैं आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हर टाइम ये आता है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये वाला नंबर भी है। आप जो है इसको अपने दोनों एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं वो सभी एग्जाम में आए हैं, इसको प्रियोरिटी वाइज दिया है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको पक्का कर लेने चाहिए, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है। हालांकि उसी में से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगले जो 9 क्वेश्चन है सेकंड प्रियोरिटी वाले में, वो भी मैं आपको दिखा दे देता हूँ। वो भी आपको कर लेने, थोड़ा सा उनमें गो थ्रू कर लेना अगर आप जो बहुत कम टाइम के अंदर इसको देख रहे हैं वीडियो को और एग्ज़ाम से जस्ट पहले देख रहे हैं। तो ये है सेकेंड प्रियोरिटी वाले क्वेश्चंस। इन सेकेंड प्रियोरिटी वाले क्वेश्चंस जैसे हाईलाइट करना, रैंक व्यू ऑफ सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये भी एग्ज़ाम में दो बार आया है, 3 बार आया है पिछले उसमें। तो इसको इसलिए फिर भी इसको जो है, जो ऊपर वाले 10 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 11वें नंबर पे इसका नंबर रखा गया है इसीलिए, क्योंकि ये कम बार आया है। उसी तरीके से जो जब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसमें डेस्क जो गांधी का जो है मॉडल है स्वराज वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है और उसका आंसर उसके नीचे जस्ट है। आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और अगर कोई इशू आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आए हैं और फर्स्ट 10 क्वेश्चन पक्का कर लेना, उसी में से आपको 5 मिल जाएंगे। और 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन में से 20 आपको करने हैं। दो सेक्शन के अंदर इसमें एग्जाम आता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ई बुक विद आंसर, तो यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। इफ आई यू फेस एन इश्यू यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, ओके। और इसमें शॉर्ट नोट भी है, चलो मैं आपको शॉर्ट नोट दिखा देता हूँ। जो शॉर्ट नोट है मैं उनको नीचे से ही दिखाना शुरू करता हूँ आपको। जो सबसे पहले जैसे गांधी कंसेप्ट स्वराज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका लॉन्ग के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है स्वराज वाला वो लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, तो ठीक है। उसके बाद हम उल्टे चलते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है ये है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ है। उसके बाद आया है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड माइक्रो लेवल, ये भी हम लॉन्ग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आ जाते हैं 10 नंबर में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन से बुक को डाउनलोड करो और अपने एक दिन के अंदर आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।